पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए मनोहरपुर स्थित एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर में इन दिनों गाय के गोबर से लकड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रयोग से जहां एक ओर पेड़ों की बचत होगी तो वहीं पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इन लकड़ियों का इस्तेमाल किसी भी कार्य में किया जा सकता है, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। दरअसल होली नजदीक है, ऐसे में होलिका दहन के लिए लोग काफी मात्रा में पेड़ों की कटाई करते हैं, जिसका पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण का संदेश देने के लिए मनोहरपुर स्थित एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर में मशीनों द्वारा विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी लकड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। इन लकड़ियों का निर्माण गाय के गोबर से किया जाता है, ऐसे बनती हैं। एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता ने बताया कि गोबर से बनने वाली लकड़ी से एक तरफ जहां गंदगी को नियंत्रण करने में सहायता मिलती है तो वहीं रोजगार का एक साधन भी बनता है। गोबर से बने लकड़ी को तैयार करने के लिए सबसे पहले गोबर को थोड़ा सा शिथिल व तरल बनाया जाता है। इसके बाद इसे मशीन में डाला जाता है, जहां से बड़े बड़े आकार के सांचों के माध्यम से बड़ी बड़ी गौकाष्ठ तैयार की जाती है। इसके बाद इन्हें सुखाने के लिए कुछ दिन धूप में रखा जाता है। सूखने के बाद लकड़ियां बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। दीपक मेहंदीरत्ता है, हम लोग यहाँ कृषि प्रशिक्षण संस्थान जाट्स मनोहरपुर मुरादाबाद में चलाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि होली को हम बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से मनाएं, इसके लिए हम लोग कुछ लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स भी हम उनको बना करके दिखा रहे हैं। उसके लिए एक तो हम लोगों ने गोबर से काव वुड कास्ट, गोबर से लकड़ी बनाने का यहाँ पर एक वो कार्य शुरू किया हुआ है। उसके लिए मशीन लगी हुई है और उसके अंदर जो है गोबर, जो गाय का गोबर है, हमारे पास एक गौशाला है जिसके अंदर 21 गाय हैं और उनका गोबर होता है, और उस गोबर से हम लोग लकड़ी बना रहे हैं। वो मशीन है, उसके अंदर हम गोबर डालते हैं। गोबर 4 से 5 दिन पुराना हो जाना चाहिए ताकि उसके अंदर जो नमी हो वो कम हो जाती है, और वो डालने के बाद में उससे काव वुड कास्ट एक ब्लॉक 2-2.5 फीट के निकल करके आती है लंबाई में, और 2 इंच का उसका स्क्वायर होती है। वो उसके अंदर एक छेद भी रहता है, होलो रहती है, और उस होलो से क्या होता है कि उससे ऑक्सीजन जाती है और उससे जो उसकी जो ऊष्मा है वो ज़्यादा हो जाती है और जलने पे धुआं भी नहीं होता। और इसमें हम जो गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास में एक गोबर गैस यूनिट भी है जिससे हम गोबर से मीथेन निकाल लेते हैं, और मीथेन निकालने के बाद जो सल्ट्री बचती है उससे हम ये ब्लॉक बना रहे हैं। तो उससे जलने से किसी तरीके के प्रदूषण की कोई संभावना नहीं है, और क्योंकि गाय का गोबर है हम उसको वैसे पवित्र मानते हैं, और उससे क्या नाम है आपका जो जीवाणु हैं उनकी भी उनको भी कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। तो लकड़ी जलने से बहुत सारे गैसेस निकलती हैं जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है और पर्यावरण भी जो है उससे नुकसान दे रहा है, क्योंकि पेड़ हम काट रहे हैं। सर, होली का मौका है और ऐसे में लोग तरह तरह के रंग लगाते हैं, आप हर्बल रंग